वेलकम टू द्विक रिविजन सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स आज के इस वीडियो में हम ग्रामी अवॉर्ड्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को एम सी क्यूज फॉर्मेट में रिवाइज करेंगे सो लेट्स गिट स्टार्ट क्वेश्चन अवॉर्ड्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ऑनर द बेस्ट आर्टिस्ट रिकॉर्डिंग एंड कम्पोजिशंस इन लॉस एंजल्स ऑप्शन आर सिक्सटी सेवंथ सिक्सटी फिफ्थ सिक्सटी एट्थ एंड सिक्सटी सिक्स Answer to this question is 66th edition. Grammy Award songs, music. Isal is Grammy Awards 2024 ka 66th edition hai? And कहाँ ho ra hai? Los Angeles, USA. Mein. Second question Who made the history of being the first artist to win Album of the Year 4 times? Options are Taylor Swift, Billie Eilish, Rihanna, and Jennifer Lopez. आंसर इज टेलर स्विफ्ट टेलर स्विफ्ट पहली आर्टिस्ट हैं जिनको एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड फोर टाइम्स मिला है इस साल मिड एल्बम के लिए टेलर स्विफ्ट को अवार्ड दिया गया साथ ही साथ बेस्ट पॉप वोकल एल्बम भी मिड रही नेक्स्ट क्वेश्चन हो वन द रिक्ड ऑफ द ईयर एट द ग्रामीज ट्वेंटी ट्वेंटी फोर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड किस दिया गया ऑप्शन है बिली आलिश बियेलर स्विफ्ट एंड माइली सारिस आंसर इज माइली सारिस माइली सारिस को फ्लॉर्स के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया साथ में बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस भी फ्लॉर्स को गया नेक्स्ट क्वेश्चन द सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रामीज 2024 ट्वेंटी फोर गोज़ टू डुआ लिपा बिली एलिश सीजा एंड जॉन बेटीज आंसर इज बिली एलिश बिली एलिश को वट वॉज आई मीड फॉर सॉन्ग ऑफ़ द ईयर अवार्ड दिया गया next, who won the most awards at the 66th grammys 2024? options are rihanna, phoebe bridges, miley cyrus, and taylor swift. answer is phoebe bridges. isal grammys 2024 me sabse zada award, phoebe bridges mile. a total of four awards has been presented to her. next question. Cesar received the most nominations with dash at the grammys 2024. options. 8 10 9 and 7 So Sisa has been nominated 9 times in Grammys 2024 and this year Hazel Mone became the youngest ever Grammy nominee she was featured on her mother's song Hollywood so what is the age of Hazel Mone it is 2 years 7th question who won the best new artist at Grammys 2024 best new artist award kisko Diagaya. options विक्टोरिया मोने ग्रेसी एब्राहिम्स कोको जोन्स एंड सीजा सो द आंसर विक्टोरिया मोने एट्स क्वेश्चन शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन फ्यूजन बैंड बैक द ग्रामीज अवार्ड फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम ऑप्शन आर एज वी स्पीक पाश्तो शक्ति एंड दिस मोमेंट आंसर इज दिस मोमेंट सो इनके बैंड का नाम है शक्ति बैंड में टोटल पांच लोग हैं जॉन मैकलॉलिन जाकिर हुसैन शंकर महादेवन वी सेल्वा गणेश एंड गणेश राजा गोपालन इनके एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का अवार्ड दिया गया इट हैज़ एट सॉन्ग्स इन टोटल बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस इट गोज़ टू जाकिर हुसैन एंड राकेश चौरसिया फॉर पाश्तो नेक्स्ट बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम इट इज़ एज वी स्पीक So it goes to Zakir Hussain and Rakesh Chaurasia, alongside Bela Fleck and Edgar Meyer. So Shakti is the band's name. This moment, it is the best global music album. Then Pashto, best global music performance, and as we speak, best contemporary instrumental album. Ninth question: Who won the first Grammy award for India? Options: Pandit Ravi Shankar, Zakir Hussain, A. R. Rahman. एंड गुलजार सो आंसर इज पंडित रविशंकर नाइनटीन सिक्सटी में इंडिया को पहली बार ग्रामी अवार्ड मिला पंडित रविशंकर को बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस अवार्ड एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए दिया गया सो इन दिस परफॉर्मेंस ही कोलेबरेटेड विद विनिस्ट यहूदी मेनोहिन लास्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ग्रामीज हेज इंडिया वन टिल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ऑप्शन ट्वेंटी फिफ्टीन एटीन

और इस साल ट्वेंटी में जाकिर हुसैन राकेश चुरसिया एंड शक्ति बैंड को तीन अवार्ड्स दिए गए सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रामीज अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम्स थैंक यू फॉर वॉचिंग